दोस्तों, अगर आप कहीं से कोई अकाउंट कोर्स सीख रहे हो या अभी आपने किसी कंपनी में अकाउंट्स जॉब की शुरुआत करी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन के बारे में, जो है PPF अकाउंट को लेके। तो दोस्तों, PPF अकाउंट का लेज़र हम टैली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से क्रिएट करते हैं, PPF अकाउंट का जब हम लेज़र बनाते हैं तो उसका ग्रुप सिलेक्शन हम क्या रखेंगे, और जो PPF अकाउंट पे जो इंटरेस्ट हमें मिलता है यानी कि जो ब्याज हमें मिलता है, और जब हम उस इंटरेस्ट का लेज़र बनाएंगे तो उसका ग्रुप सिलेक्शन क्या रहने वाला है, तो ये सब कुछ इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो तो आपको PPF अकाउंट की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके ट्रांजैक्शन की एंट्री यानी कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसके ट्रांजैक्शन एंट्री हम किस तरीके से करते हैं उसके बारे में भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो PPF अकाउंट होता क्या है, PPF अकाउंट को ओपन करना क्यों ज़रूरी है, कौन कर सकता है, इंटरेस्ट रेट PPF अकाउंट का क्या चल रहा है, तो सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो तो इस वीडियो का पूरा जरूर देखिए, ताकि इस वीडियो से आपको अच्छी पूरा प्रोसेस आप इसको समझ सके PPF अकाउंट के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आए और नॉलेजेबल लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली इसी टाइप की नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में PPF अकाउंट से रिलेटेड कोई भी हम लेज़र क्रिएट करें या कोई भी ट्रांजैक्शन हम करें, उससे पहले हम एक बार PPF अकाउंट को समझ लेते हैं कि आखिरकार PPF अकाउंट है क्या। तो दोस्तों, इसके लिए हम गूगल पे सर्च करेंगे। दोस्तों, PPF अकाउंट यानी कि PPF अकाउंट का अगर हम पूरा नाम जाने तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। तो दोस्तों, PPF अकाउंट किस लिए खुलाया जाता है, तो दोस्तों हम इसको एक सिंपल भाषा में अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी एक तरीके की लॉन्ग टर्म की सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेविंग स्कीम है। अगर हम इसको और आसान भाषा में समझें तो जिसे हम कर सकते हैं, जैसे कि हम बैंक में FD करवाते हैं, तो FD हम कराते हैं हमारी सेविंग के लिए, ताकि हमारा पैसा है जो बैंक में हमारा सेफ रहे, और साथ के साथ हमें कुछ उनसे अर्निंग भी होते रहे, यानी कि ब्याज के रूप में पैसा हमारा हमें मिलता रहे। तो जितना ब्याज हमें मिलेगा तो हमारी जो FD की जो अमाउंट है उसकी वैल्यू जो बढ़ती जाएगी। तो उसी तरीके से हम इसको PPF अकाउंट को भी समझ सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको एक बार रीड कर लेते हैं, व्हाट इज ए PPF अकाउंट। तो दोस्तों, PPF अकाउंट है क्या, PPF अकाउंट आ गया, एक आ गया मोस्ट पॉपुलर लॉन्ग टर्म स्कीम आ गई, इन्वेस्टमेंट की स्कीम है ये लॉन्ग टर्म के। लॉन्ग टर्म का मतलब भी इसको कम से कम 15 साल तक इसकी इन्वेस्टमेंट होती है, और इसको सबसे सेफ भी माना गया है, और सबसे ज़्यादा ये रिटर्न भी यही देता है, और टैक्स की सेविंग भी होती है, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही मिलता है। सेफ्टी का मतलब भी यानी कि इसका पैसा गवर्नमेंट आपसे ले नहीं सकती है, यानी कि अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई भी किसी टाइप का कोई बकाया निकलता है गवर्नमेंट का, और आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाता है, और आपके पास पैसा नहीं है और आपका पैसा PPF अकाउंट में जमा पड़ा है, तो गवर्नमेंट आपके PPF अकाउंट को ब्लॉक नहीं कर सकती। सबसे बड़ा इसका सेफ्टी यही है, यानी कि ये बिल्कुल रिस्क फ्री एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। और रिटर्न का मतलब ये ब्याज इसका सबसे ज़्यादा है, और टैक्स की सेविंग तो इसकी होती होती है। और उसके बाद हम बात करें तो 1968 में इसको फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट। और उसके बाद में अगर इसकी हम पीरियड की बात करें तो आ गया भी इन्वेस्टमेंट यूज PPF ए टूल बिल्ड दी क्रप्स दियर रिटायरमेंट दी फूडिंग असेसमेंट। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, मेन मुद्दे पे हम आते हैं, PPF हैज़ बीन 15 ईयर मेच्योरिटी, यानी कि इसको 15 साल तक एक तरीके की लॉन्ग टाइम की स्कीम है, आप इसको 15 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट इसमें रखना पड़ेगा। और उसके बाद में कुछ एक डिटेल इसके हम और समझ लेते हैं, और उसके बाद हम टेली सॉफ्टवेयर में इसकी ट्रांजेक्शन एंट्री करना सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ा आ गया भी वाई इज़ दी पॉपुलर है ये PPF सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्यों चल रहा है। तो पॉपुलर आने का सबसे बड़ा जो कारण है, एक कारण तो ये है भी इसकी इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 80C के तहत छूट मिल जाती है, यानी कि अगर आप कोई भी इनकम टैक्स पेयर है जिसका इनकम टैक्स लगता है, अगर वो PPF अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, तो दोस्तों PPF अकाउंट है जो बैंक में ओपन होता है या फिर पोस्ट ऑफिस में इसको ओपन करवाया जा सकता है। तो जितनी इन्वेस्टमेंट आप करोगे उतनी अमाउंट की आपको इनकम टैक्स में जो छूट भी मिलती है। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है भी इसका जो इंटरेस्ट
जो ब्याज हमें इस पीपीएफ अकाउंट पे जो मिलता है वो भी इनकम टैक्स फ्री है। थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे बात आती है भी इसकी इन्वेस्टमेंट कितने रुपए तक की हो सकती है। तो मिनिमम आज में 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट में आप पीपीएफ का अकाउंट खुलवा सकते हो और हाईएस्ट आप 1,50,000 रुपए तक का एक साल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कम से कम 500 रुपए और हाईएस्ट आप 1,50,000 रुपए का। तो यहां तक आप इसकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपको ये जो पीरियड है इसका 15 सालों का पीरियड है। और अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो दोस्तों पीपीएफ अकाउंट की फुल डिटेल क्या है, हम इसको बीच में अगर मैच्योर करवा सकते हैं यानी कि बीच में इसका पैसा विड्रॉल कब कर सकते हैं, क्या इस पर हम लोन भी ले सकते हैं, तो सब कुछ हम इस पीपीएफ अकाउंट के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम टोटल डिस्कस करेंगे भी पीपीएफ अकाउंट के बारे में पूरी डिटेल हम जानेंगे भी क्या पीपीएफ अकाउंट से ज़्यादा हमें एफडी पे इंटरेस्ट मिलेगा या एफडी से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट पे इंटरेस्ट हमें मिलता है। तो सब कुछ हम उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो हमारा मेन टारगेट है वो है पीपीएफ अकाउंट के ट्रांजैक्शन को हम टेली सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों पीपीएफ अकाउंट आप किसी भी रजिस्टर्ड बैंक में आप ओपन करवा सकते हो। तो दोस्तों जैसे ही हम हमारे रूटीन में बैंक में कैश डिपॉजिट करवाने के लिए जो हम स्लिप यूज करते हैं उसी से मिलती जुलती लगभग एक स्लिप आती है, लेकिन इसका नाम है फॉर्म बी। तो एक सेंट्रल का है तो यहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम 1968 का। तो ये आपको अगर आप बैंक में आपने अकाउंट ओपन करवा लिया और आप कैश के थ्रू उसमें इन पैसा आप डाल रहे हो तो उस दौरान हमें इस टाइप की एक स्लिप है जो डिपॉजिट करवानी पड़ती है, या आप चेक के थ्रू जमा करा रहे हो तो भी आपको ये स्लिप यूज कर दिए। और आजकल सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांसफ़र पैसा हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको कोई भी वाउचर तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं, मान लीजिए हमने 1 तारीख को 1,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है पीपीएफ अकाउंट में। तो दोस्तों सबसे पहले हम टेली सॉफ्टवेयर में पीपीएफ का अकाउंट हमें लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्रिएट पे जाएंगे और लेज़र पे हम जाएंगे और यहाँ हम एक लेज़र क्रिएट करेंगे पीपीएफ अकाउंट। और अब जो पीपीएफ अकाउंट का जो ग्रुप है वो आपको यहाँ पर देना होगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये एक तरीके की हमारी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है तो हम इसको रखेंगे इन्वेस्टमेंट में। TDS डिडक्टेबल इसको हम एक बार नो रखेंगे और इंटरप्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो था हमारा पीपीएफ अकाउंट का लेज़र हमने क्रिएट कर दिया। और उसके बाद हमें पीपीएफ अकाउंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा तो हमें इंटरेस्ट का भी एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम एक लेज़र यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ अकाउंट। और इसका जो ग्रुप हम रखेंगे वो रखेंगे कैपिटल अकाउंट, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ लोग कहेंगे भी हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये तरीके की हमारी इनकम हो रही है, तो इनकम बिल्कुल इनकम हो रही है लेकिन ये टैक्स फ्री इनकम है, इस पर इनकम टैक्स नहीं लगता, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। अगर आप इसको इनडायरेक्ट इनकम में रखोगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा और ये आपके नेट प्रॉफिट में एड हो जाएगा। तो हो सकता है वहाँ पर आपसे गलती से टैक्स फ्री के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है, तो इसलिए हम इसका ग्रुप रखेंगे कैपिटल अकाउंट। TDS डिडक्टेबल को हम एक बार नो रखेंगे और कंट्रोल ए के साथ इस विंडो को करेंगे एक्सेप्ट। तो अब हम बात करते हैं अगर हमने पीपीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा कराया है उसकी ट्रांजैक्शन हम किस तरीके से करेंगे। वाउचर पे हम जाएंगे और इसके लिए हम पेमेंट वाउचर का हम यूज़ करेंगे। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को 1,00,000 रुपये पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करवाया है तो पीपीएफ अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, अमाउंट हमारी 1,00,000 रुपये की है। अब बात आती है भी आपने जो पैसा जमा कराया 1,00,000 रुपये कैश के थ्रू जमा कराया है या फिर आप अपने किसी अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है। तो अगर आपने कैश डिपॉजिट करवाया है तो आप करेंगे कैश को डेबिट क्रेडिट, या आपने किसी बैंक के थ्रू आपने जमा कराया, मान लीजिए आपके पास SBI बैंक है और आपने SBI बैंक से ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया तो उस दौरान हम उस बैंक को क्रेडिट करेंगे और इंटरप्रेस करते हम इस वाउचर को करेंगे एक्सेप्ट। तो दोस्तों ये ट्रांजेक्शन थी पीपीएफ अकाउंट में अगर हमने पैसा डिपॉजिट करवा दिया। तो अब हम एक बार बैलेंस शीट में जा कर देखेंगे। तो जैसे हम बैलेंस शीट पे जाएंगे तो हमारे पास इस करंट एसेट साइड के अंदर हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट की एक एंट्री आएगी 1,00,000 रुपए की। तो ये आपको यहाँ दिखाई देगी इन्वेस्टमेंट का अलग से एक ग्रुप शो होगा पीपीएफ अकाउंट का और ये आपका 1,00,000 रुपए का डेबिट हो जाएगा। अब मान लीजिए अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो 7.10 का चल रहा है, तो ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन इसमें होती रहती है, अप डाउन होता रहता है। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो ये 7.10 चल रहा है। अब मान लीजिए 1 साल के बाद आपको ब्याज मिलता है, अगर हम 7.10 के हिसाब से हम देखें तो 7100 रुपये का ब्याज मिलता है। तो जो हमें ब्याज मिला है उसकी ट्रांजेक्शन हम किस तरीके से करेंगे,
इसके लिए वाउचर पे जाएंगे और अब हमें जर्नल वाउचर का यूज़ करना है। एफ सेवन हम यूज़ करेंगे और उसके बाद डेबिट करेंगे पीपीएफ अकाउंट को और 7110 रुपये, और वापस हम क्रेडिट करेंगे जो हमने इंटरेस्ट का जो लेज़र बनाया था, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ अकाउंट का, उसको हम क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पर इसकी डिटेल हम लिख लेंगे, ईयरली इंटरेस्ट। तो दोस्तों अब इंटरेस्ट कितना लगा है इसके लिए आपका बैंक में एक सेपरेट अकाउंट है जो ये ओपन हो जाता है पीपीएफ अकाउंट का, तो यहाँ से आप इसकी स्टेटमेंट भी आप निकलवा सकते हो, इंटरेस्ट का भी एक स्टेटमेंट निकलवा सकते हो, या जैसे आप पीपीएफ अकाउंट की अपनी पासबुक कंप्लीट करवाते हो बैंक से तो उसमें सब कुछ डिटेल आ जाती है, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था और कितना आपका ब्याज है जो उसमें ऐड हो गया, और वो आपका जो पीपीएफ अकाउंट का बैलेंस है वो बैंक में कितना आ रहा है। एक्सेप्ट करेंगे, अब वापस हम चलते हैं बैलेंस शीट पर, और बैलेंस शीट पे जाने के बाद जैसे हम पीपीएफ अकाउंट को देखते हैं तो हमारा जो पीपीएफ अकाउंट का जो बैलेंस अभी आप देख रहे हो ये 7110 से इंक्रीज हो गया, अब 1,07,110 रुपये का हमारा पीपीएफ अकाउंट का बैलेंस आ गया है, और ये जो क्रेडिट हुआ था हमारा इंटरेस्ट वो हमारे इस कैपिटल अकाउंट में ऐड हो गया है। तो इस तरीके से हम इसकी पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करवाने की एंट्री और प्लस उसके बाद में जो इंटरेस्ट हमें रिसीव होता है, उस जो इंटरेस्ट रिसीव की जो एंट्री है वो हम किस तरीके से करते हैं, ये आपने इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखा है। तो दोस्तों आई होप कि आज की इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक दे के ज़रूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।